उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही व्यवस्थाओं की पोल भी शुरू में ही खुल गई, लेकिन सीएम धामी के मोर्चा संभालने के बाद व्यवस्थाओं में सुधार भी हुआ है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में कहां चूक हो गई। लेकिन कुछ नेताओं को लगता है कि आचार संहिता की वजह से तैयारियां समय पर पूरी नहीं हो पाई है। पूरी रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही व्यवस्थाओं की भी पोल शुरुआत में खुल गई। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मोर्चा संभालने के बाद व्यवस्थाएं पटरी पर आती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार व्यवस्थाओं में चूक हो कहां गई, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का मानना है कि आचार संहिता की वजह से यात्रा की तैयारियों में चूक हो गई है, क्योंकि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण में ही मतदान संपन्न हो गया था। अब ऐसे में पूरी तरीके से छूट निर्वाचन आयोग को दे देनी चाहिए थी। अभी भी अगर कोई बैठक करनी पड़ रही है तो उसके लिए पहले निर्वाचन आयोग से परमिशन लेनी पड़ रही है। यमुनोत्री से विधायक संजय डोभाल का कहना है कि प्रशासन के द्वारा व्यवस्था मुकम्मल नहीं की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मोर्चा संभालने के बाद व्यवस्थाएं पटरी पर आ गई हैं। नहीं, आचार संहिता एक बाधा तो बना है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि 19 अप्रैल को हमारे यहाँ चुनाव पहले फेज में हो गए, यानी कि लगभग एक महीना आज हो गया। उसके बावजूद अभी हमें काम करने में दिक्कतें आ रही है, हमें चुनाव आयोग की तरफ देखना पड़ रहा है इन चीज़ों पे। तो कम से कम चुनाव आयोग को हमें ऐसे चीज़ों पे, एक सेंसिटिव भी है, धार्मिक भी है, हमारे इस प्रदेश का आर्थिकी का आधार भी है, हमारे यहीं तक सीमित है, कोई यहाँ पे चुनाव प्रभावित होने वाला नहीं है, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा चुनाव आयोग को, हमारा तो आग्रह है उनसे कि इस पर थोड़ा सा वो शिथिलता बरतें, ताकि इन पर हम लोग काम तेज़ी से कर सकें। देखिए, तैयारियां भी, ये भी नहीं कह सकते कि तैयारियां पूरी नहीं थी, क्योंकि जो पहले दिन होता है जब हमारी माँ यमुना की डोली खरसाली से यमुनोत्री जी जाती है, तो साथ में लगभग हमारी कई सारी देव डोलियां और कम से कम 5-6 हजार लोग हमारे भी जाते हैं, तो जब 9-10 हजार लोग बाहर से आए हुए और 5-6 हजार, तो थोड़ा सा अव्यवस्था हो गई थी। और मेरी अभी थोड़ी देर पहले बड़कोट प्रशासन से बात हुई है, SDM से बात हुई है, तो उनका कहना है कि अब व्यवस्थाएं बिल्कुल सही है और कहीं पे भी आधा एक घंटे से ज्यादा गाड़ियों को नहीं रोका जा रहा है। चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर आचार संहिता भी एक वजह अगर मान ली जाए कि सरकार तैयारी को दुरुस्त करने में थोड़ा सा पीछे रह गई, लेकिन जिन अधिकारियों के जिम्मे चार धाम यात्रा थी उन्होंने भी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही से किया नहीं है, यही वजह है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो नहीं पाई। लेकिन भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि चारधाम यात्रा हो या फिर उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं या आपदा, ये तीन बिंदु ऐसे हैं जिन पर साल भर काम करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि जब चारधाम यात्रा समाप्त हो जाए तो उसके बाद ये कहकर बैठ लिया जाए कि अब यात्रा समाप्त हो गई और फिर यात्रा से पहले बैठक कर तैयारियां शुरू की जाए। साल भर इस पर काम किए जाने की आवश्यकता है। यहां तक केंद्र सरकार को भी चारधाम यात्रा को लेकर मदद करनी चाहिए। उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए की मांग पार्टी के सामने और सरकार के सामने भी रखी है कि यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार 1,000 करोड़ रुपए हर साल यात्रा व्यय के रूप में उत्तराखंड को दे। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत ज्यादा थी, अब धीरे धीरे करके उन चीजों को व्यवस्थित किया जा रहा है, चीजें मैनेज हो रही है और आगे चल के ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के संदर्भ में तीन काम ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष होते हैं, यात्रा प्रतिवर्ष होनी है, आपदा प्रतिवर्ष आनी है और वनाग्नि प्रतिवर्ष होनी है। तो इसको हम इस तरह नहीं ले सकते कि भाई यात्रा की तैयारी जब यात्रा आएगी तभी करेंगे, वनाग्नि जब होगी तभी बुझाने की बात करेंगे, जब कोई डिजास्टर होगा तभी उसको ठीक करने की बात करेंगे, आपदा को। ये साल भर और अनवरत सतत किए जाने वाले कार्य हैं। तो सरकार का जो सिस्टम हमारा है, जो शासन है और प्रशासन, उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यात्रा का सीजन समाप्त होने के बाद काम समाप्त नहीं होता है, इसको अनवरत करना पड़ेगा, इसको एक परमानेंट फीचर मानते हुए इसकी तैयारी करनी पड़ेगी आगे के लिए। चारधाम यात्रा की तैयारियां समय पर अगर आचार संहिता की वजह से नहीं हुई तो ये आगे के लिए भी एक सबक है, क्योंकि हर 5 साल बाद जब भी देश में लोकसभा के चुनाव होंगे तो तैयारियों पर असर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर पड़ेगा। इसलिए चारधाम यात्रा की तैयारी पर शासन प्रशासन का ध्यान साल भर होना चाहिए, जो बात भाजपा विधायक विनोद चमोली भी कह रहे हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार जो कमियां इस साल शुरुआत में देखी गई उनसे सबक लेते हुए आगे आने वाले सालों में सरकार उन कमियों को कैसे दुरुस्त करती है, ये देखना है।